जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि शरीर के इन चार अंगों पर तिल का निशान व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वो महिला व उसका परिवार होते हैं धनवान। ऐसे महिला के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महिला के किस अंग पर तिल होना ये संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं। क्या आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है? तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। ये हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण ये चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिषीय आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर पर पाए गए ये निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल पर। इसे हम तिल मस्सा और लाल मस्सा के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं आपके शरीर के किस अंग का तिल क्या महत्व रखता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शरीर के किस हिस्से में तिल हो तो आपका व्यवहार और भाग्य कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तिल जन्मजात हो या बाद में बना हो, दोनों का प्रभाव और महत्व एक जैसा होता है, क्योंकि शुभ जगहों पर बाद में तिल का उजागर होना भी यह आपके अच्छे समय के आने का ही एक संकेत है। तो चलिए आप जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। दोस्तों, नंबर एक, पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही फूडी होते हैं, यानी कि खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाई ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल अगर हो तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता, ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों, नंबर तीन, माथे पर तिल। जिस इंसान के माथे पर दाएं और तिल का निशान होता है वो खूब धन कमाते हैं। लेकिन बहुत ही खर्चीली किस्म के लोग होते हैं, ये जल्द पैसे खर्च कर देते हैं, और अपनी इस आदत की वजह से इन्हें कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं लोगों के माथे के बीच में तिल होता है तो वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। वो लोग जिस क्षेत्र में भी कोशिश करते हैं उसमें उनका भाग्य उसका साथ देता है, और ऐसे लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं। वहीं अगर माथे के बाएं तरफ तिल हो तो जीवन में कष्ट और परेशानी देता है। दोस्तों, नंबर चार, गालों पर तिल। अगर किसी के गालों पर तिल है तो ये तिल उसे बुरी नजर से बचाता है। चेहरे के दाहिने तरफ तिल है तो इसे शुभ माना गया है, और बाएं तरफ का तिल थोड़ा परेशानियां देता है। नंबर पाँच, भौं पर यानी आईब्रोज पर तिल। दोस्तों, भौं के बीच तिल हो तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, भौं के ठीक बीच मित्तल काफी ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों का शादीशुदा जीवन खुशहाल रहता है, इन्हें जीवन में धन भी काफी ज्यादा मिलता रहता है। महिलाओं के भौं पर तिल शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर छह, छाती पर तिल। छाती पर तिल की अगर बात करें तो अगर बाई ओर तिल या मस्सा होता है तो उस व्यक्ति की शादी ज्यादा उम्र में होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति का मुख होते हैं उन्हें हृदय रोग की आशंका रहती है। वही जिन व्यक्तियों की छाती पर दाएं ओर तिल का निशान होता है वो धनवान होते हैं, और इनका जीवन साथी भी सुंदर और योग्य होता है।
महिलाओं की छाती के दाएं तरफ का तिल शुभ माना गया है, जबकि बाएं तरफ अशुभ। छाती के दाएं तरफ तिल वाली महिलाएं प्रशिक्षित रहती है। जिन लोगों को पेट और हृदय के ऊपर तिल होता है, उन्हें हमेशा तरह तरह का भोजन करने का शौक रहता है। दोस्तों, नंबर 7, हथेली। दोस्तों, अगर बात करें हथेली पर तिल की, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ पर तिल होता है, वो जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो, तो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलता। अगर तिल अनामिका उंगली पर है, तो उस व्यक्ति को कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती। अनामिका उंगली, दोस्तों, आपकी हथेली में अगर अंगूठे की ओर से गिनेंगे, तो अंगूठे को छोड़कर जो आपकी तीसरी उंगली है, वो अनामिका उंगली है। सबसे छोटी उंगली पर तिल हो, तो वो इंसान यशस्वी होता है, लेकिन हमेशा अशांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो, तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसे धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, नंबर 8, ढोरी पर तिल होना बताता है कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा है। खास तौर पर अगर महिलाओं की ढोरी पर तिल हो, तो ऐसी महिलाएं धनवान होती हैं, इन्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, नंबर 9, कमर पर तिल। कमर पर तिल शुभ होता है। वहीं अगर गुप्तांग पर अगर तिल है, तो विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण होता है। पैर में तिल का निशान कुछ पदों पर पहुंच आता है। जांघ पर तिल वाली महिलाओं से पुरुष काफी आकर्षित होते हैं। दोस्तों, नंबर 10, पीठ पर तिल। पीठ का तिल बताता है कि ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और जमकर खर्च भी करते हैं, इन्हें पैसों की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि महिलाओं की बाईं भुजा पर तिल होने से पुत्र और धन का प्राप्ति होती है, वही दाहिने हाथ का तिल महिलाओं को धनवान बनाता है। दोस्तों, नंबर 11, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है, तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है, भाग्यशाली होती है, और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। दोस्तों, घर में महिलाएं परिवार को खुशहाल बनाने में काफी मददगार होती है, और महिलाएं हमेशा पूजनीय होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महिला अपने साथ पूरे परिवार का भाग्य लेकर आती हैं। चाहे ससुराल में अपने पति का भाग्य हो या मायके में अपने पिता का भाग्य हो, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि लड़की भाग्यशाली है या नहीं? लड़की के भाग्यशाली होने के कुछ खास लक्षण होते हैं। चलिए तब आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में, जिनसे आपको पता लगता है कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली हैं। दोस्तों, नंबर 1, आँखों का आकार। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि व्यक्ति की आँखें सब कुछ बयां कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आँखों के आकार से लड़कियों के भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी भाग्यशाली है। सफेद चमकदार हो, तो ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए लक्की साबित होती है। ऐसे घर को वो मालामाल कर देती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अगर होठों का रंग करवा है। भाग्यशाली महिलाओं के होठ गुलाबी होते हैं, उनकी वाणी में मधुरता होती है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार और पति के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। ऐसी महिला के परिवार वालों को हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, नंबर 3, नाभि बताती है स्त्री की पहचान। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गोल होती है, वो भाग्यशाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं दयालु होती है और साथ ही बुद्धिमान भी होती है, और अपनी बुद्धि के कारण ही वो पूरे घर को आबाद रखती है। ऐसे घर में हमेशा बरकत रहती है। दोस्तों, नंबर 4, जिन लड़कियों की नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अपना जीवन ऐसो आराम से व्यतीत करने वाली होती है। इन महिलाओं में गुणों का भंडार होता है। ऐसी महिलाओं के घर में आने से खुशहाली आती है और किस्मत अपने साथ ही लेकर आती है। दोस्तों, नंबर 5, किसी स्त्री के पैर देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। जिन महिलाओं के पैर पर कमल और चक्र का चिन्ह होता है, वो महिलाएं भाग्यशाली होती हैं।
साथ ही जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ होता है वह काफी भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में काफी सुख भोगती है और इनके भाग्य से परिवार का भी भाग्य उदय होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।